और एक बार पूछ रहा हूँ आपसे, जनक रैना को मारने की साजिश क्यों रची थी आपने? आप जितनी बार पूछेंगे मैं एक ही जवाब दूंगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं। आप मुझे गलत केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जनक के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ हुआ भी होगा तो मुझे कैसे मालूम होगा? मुझे नहीं पता। शेर को कभी चूहे की खबर रखते हुए देखा है आपने? वाह, मुहावरे बहुत अच्छे बना लेती हैं आप। जनक रैना एक नौकरानी थी, उसका अपना खुद का कोई ठिकाना नहीं था। कभी एक लड़के के साथ तो कभी दूसरे लड़के के साथ घूमती थी वो। अब वो कौन से शूट पे गई, किस प्रोडक्शन बॉय के साथ इश्क लड़ा रही थी, मुझे कैसे पता होगा? वाह, नौकरानी। जनक रैना आपके बहन की बेटी है ना? क्या नाम था आपकी बहन का? उर्वशी रैना, है ना? और अब जहां सृष्टि की इंटरोगेशन चल रही है, वहीं वो भी उत्तर देने में माहिर है। जिसे रिश्तों की अहमियत ही नहीं, वो क्या कुछ अच्छा बोलेगी? अब एक ही फैमिली में पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बहन थी। और बहन होने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, जो आपने कभी नहीं निभाई। हमारे पास खबर तो ये भी है कि उर्वशी रैना के खुदकुशी करने के पीछे भी आप ही का हाथ है। आप बिना सबूत के बात कर रहे हैं अब इंस्पेक्टर? जनक रैना के अगेंस्ट आपको सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए आप उर्वशी रैना के केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊट पटांग बातें कर रहे हैं अब आप। और भूलिए मत, ये जो भी आपने अभी कहा है ना, उसके लिए मैं आपको कोर्ट में लेकर जा सकती हूँ। दो मिनट नहीं लगेंगे मुझे आपकी वर्दी उतरवाने के लिए। सुनिए, अगर आप ये हमारे सामने सच नहीं भी बोलेगी ना, तो आपके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से ये बात साफ है कि आपके श्रीनगर के तेजस कुमार के साथ मिलके जनक को मारने की साजिश रची थी आपने। और अब सृष्टि के तेवर देखने लायक है जब ऑफिसर उसे ये सच बताता है। कितना गुरूर है उसे अपने ऊपर। इंस्पेक्टर, हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब आजाद है, तो अगर मैं किसी को कॉल भी करूंगी तो वो गलत माना जाएगा क्या? नहीं, मगर जो तेजस कुमार है उसके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स हैं, जनक को तंग करने की, उसको किडनैप करने की कोशिश करने की, काफी एलिगेशंस लगे हैं उस पे। हाँ तो इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है ना, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या पता आप जो ढूंढ रहे हैं शायद आपको कोई ठोस सबूत मिल जाए। उसके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, उसके नंबर पे ट्रैक लगा दिया है, बस कुछ घंटों की बात है और वो पुलिस के सामने होगा। खैर ये छोड़िए, इतना बताइए कि जनक रैना को कैसे मारा आपने? आप पूछते रहेंगे और मैं एक ही जवाब देती रहूंगी, मुझे कुछ पता नहीं। और अब पुलिस ऑफिसर्स को भी समझ आ रहा है कि सृष्टि मुखर्जी कोई छोटी मोटी मछली तो नहीं है, जिसे यूं ही जाल में फंसा सकता है कोई भी। ये तो गहरे पानी की मछली है। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपकी भलाई इसी में, आपका जो भी पता है सच सच बता दीजिए हमें। शायद आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। सुना नहीं आपने? मुझे दो मिनट भी नहीं लगेंगे आप दोनों की ये वर्दी उतरवाने के लिए। मैडम जी, इनका लॉयर आ चुका बाहर। हाँ हाँ, भेजो से अंदर। कौन है? लॉयर आया इनका। और लॉयर का नाम सुनते ही सृष्टि के चेहरे का रंग और भाव दोनों ही बदल गए। शायद कुछ बड़ा होने वाला है। बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आप लोग मेरी क्लाइंट को तंग नहीं कर सकते, हैरेसमेंट का केस बन सकता है। अच्छा, तो आप सिखाएंगे कानून हमें? मैं नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है। इनके लिए बेल प्ली मूव की गई है और मजिस्ट्रेट इनसे अभी मिलना चाहते हैं। अब आप लोग इन्हें कोर्ट लेके चलेंगे या फिर मैं इनके बेल का ऑर्डर करवा के लाऊं? और अब जहां सृष्टि एकाएक बेहद खुश होती है कि आखिरकार पुलिस के सामने भी उसका रुतबा दिख ही गया, पर क्या जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ है, या एक बार फिर उसकी हंसी को लगेगी ग्रहण? क्योंकि आज कहीं और बैठा विनायक को भी अब सृष्टि पर कोई गर्व तो नहीं हो रहा है। सच कहूं तो इस वक्त मैं
उस मेंटल स्टेट में नहीं हो कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। बहुत थका थका सा महसूस कर रहा हूं। सृष्टि पुलिस के हिरासत में है, आज उसे शायद कोर्ट में पेश किया जाएगा। सच में नहीं जानता हूं कि किसने क्या किया और कौन क्या कर सकता है। अनिरुद्ध, तुम आजकल किसी का लिहाज नहीं कर रहे। विनायक जी की इंसल्ट कर रहे हो तुम, ये कहकर कि शिशि जी मर्डरर है। तुम्हारी वाइफ, इनकी बेटी अर्शी मर्डरर है। विनायक जी, आई एम सो सॉरी। देखिए, इन सब हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूं। शुभो जी, इतना बड़ा इल्जाम लगाए मेरी वाइफ पर, तो जाहिर सी बात है उसमें अर्शी का नाम तो इन्वॉल्व होगा ही ना। और अब शुभो और तनुजा भी आज देखते हैं विनायक को, जो अपनी वाइफ और बेटी की बेगुनाही पर कुछ नहीं बोल पा रहा। और मैंने जनक को अपनी बेटी से कभी कम नहीं समझा है। अब उसकी मौत हो चुकी है, तो सच कहूं तो मैं सृष्टि को भी उसका जिम्मेदार मानता हूं। अपने आप में बहुत शर्मिंदा। और सच शायद यही है कि शर्मिंदगी के अलावा और कुछ बचा ही नहीं विनायक के जीवन में, जहां सृष्टि अपनी ही गुरूर में मरे जा रही है। पर कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, मुजरिम हाथ में आ जाने के बाद जल्दी से तो नहीं छूटने वाली शायद सृष्टि भी। तो देखना ना भूलिएगा कि आगे आखिर होता क्या है, जहां अब बहुत दाव पेच हैं, जहां झनक के मिलने की भी आशंका है, तो सृष्टि की कोर्ट में पेशी भी। और तेजस का आखिर क्या होगा? क्या कबूलेगा सारा सच या फंसा देगा सृष्टि मुखर्जी और अर्शी को ही? देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू कंप्लीट बॉलीवुड। क्या हुआ है? आपका कोई अपना नहीं है? नहीं है ना, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है। लेकिन हमारी पत्नी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। और बेटी, बेटी कहाँ है आपकी? बेटी अभी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। बेटी, मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, याद है बेटी, कि पूर्वाश्रम के बारे में नहीं पूछते। अब ये संत हो चुके हैं, इनसे पूर्वाश्रम के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब इनका मन होगा तभी अपनी पूरी कहानी तुम्हें विस्तार से बता देंगे। तब तक तुम्हें धीरज रखना होगा बेटी, तब तक तुम्हें इनसे नृत्य सीखना होगा श्रद्धा के साथ।